डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ाना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हम 10th क्लास के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति को पढ़ रहे हैं, और इस त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हुए हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था। तो 8.3 के क्वेश्चंस को आप दिखा देते हैं आपके सामने। क्वेश्चन ये पहला क्वेश्चन है, पहला में जो चार क्वेश्चन था इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां क्वेश्चन हो गया है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ छठा क्वेश्चन इसका बच रहा है, जिसमें ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, यानी कि एक त्रिभुज है। अब ये पता नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है, ठीक है, हो सकता है वो समकोण है या समकोण नहीं भी हो सकता है। सिर्फ लिखा ए बी और सी जो है त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण है। अंतः कोण का मतलब अंदर का कोण है। और फिर हमें प्रूफ करना है कि साइन बी प्लस सी बटा दू कॉस ए बाई टू, यानी कि छठे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर छठा दिया है एंगल ए एंगल बी एंगल सी कॉमा त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। अंतः कोण है हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, साइन बी प्लस सी बाई टू, साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। ये चीजें हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है उसके तीन कोण होते हैं, और तीनों कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के ये त्रिभुज हो गया, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, योग का मतलब जोड़, 180 डिग्री होता है, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए दोस्तों हम बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब कोण है तो तीनों को जोड़कर 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि सवाल में बोल चुका कि ए बी सी क्या है, कोण है, तो तीनों को मिलाकर 180। यहाँ से दोस्तों हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या कि बी प्लस सी बराबर 180, और इधर प्लस में ए है उधर जाएगा तो माइनस ए, ठीक है। यानी बी प्लस सी की जगह पे कितना रख दिए, 180 माइनस ए। अब क्या करना है आपको, हमको क्या सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बटा दू, ठीक है, बराबर कॉस ए बटा दू, ये ना प्रूव करना है। आप एल एच एस से चलिए, अब एल एच एस से, ठीक है, एल एच एस में क्या है तो साइन ब्रैकेट में बी प्लस सी बटा दू। तो अभी क्या लिख सकते हैं, साइन और बी प्लस सी के जगह पे, ये जो बी प्लस सी है इसके जगह पे कितना रख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस ए बटे में दू, नहीं क्या, हम इस b प्लस सी जो ऊपर था इसके जगह पे कितना रख दिए,
180 माइनस ए, क्योंकि हम लोगों को आया हुआ है। अब आप देखिए, एक मैथमेटिक्स का रूल होता है कि अगर कोई भी चीज़, जैसे मान लिया कि 4 + 5/8 या 7 रहेगा, तो मैथ का एक रूल है कि जब ऊपर प्लस और माइनस में रहता है तो इसको अलग अलग तोड़ देते हैं। जैसे 4/7 और +5/7, इसके नीचे भी 7 होगा, इसके नीचे भी 7 होगा, और इस ये दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे, और ये दोनों के बीच में अगर माइनस रहेगा तो हम लोग माइनस दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि साइन है, तो यहाँ लिख देंगे साइन साइन ब्रैकेट, यहाँ पे 180 माइनस ए है, तो अलग अलग कर सकते ना है। कैसे कर सकते हैं अलग अलग? तो 180/2 माइनस a/2, और यहाँ पे देखिए साइन, ये 180/2 क्या होता है? 90 डिग्री माइनस a/2। दोस्तों हम लोग पढ़े हैं ना फार्मूला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ देखिए साइन है 90 डिग्री माइनस a/2 है। क्या है? 90 डिग्री माइनस a/2। तो जब साइन रहे और 90 डिग्री माइनस a/2 रहे, तो यहाँ पे कॉस a/2 हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा होता है तो यहाँ थीटा लिखा था, तो 90 डिग्री माइनस क्या है यहाँ पे a/2, तो यहाँ पे हम लोग कॉस लिखेंगे, क्योंकि साइन 90 डिग्री माइनस, तो साइन का उल्टा क्या होता है 90 डिग्री वाले में, यानी कि पूरक और कोण वाले में, तो साइन का उल्टा कॉस, और 90 डिग्री माइनस a/2 था तो ये a/2 रख दिए, और ये हम लोगों को दोस्तों आ गया RHS। देखिए कॉस a/2 लाना भी था, है ना, सिद्ध करना था, तो यहाँ पे RHS, और फिर लिख देंगे प्रूव्ड, ये हम लोगों को सिद्ध हो गया। तो कुल मिलाकर इसी तरीके से छठे सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये बहुत इजी था, लेकिन इसको इस क्वेश्चन को एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख पा रहे होंगे कि एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला यानी कि महत्वपूर्ण सूत्र को आपको पहले याद करना होगा, महत्वपूर्ण सूत्र। अब ये आप सूत्र जब आपको पता होगा तभी आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण सूत्र को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यूं बोले तो अभी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे किस एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज 8.4 का, यानी कि इस एक्सरसाइज 8.4 में हम लोग थ्योरी के रूप में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को पढ़ेंगे, जो काम क्या करेगा, तो जो एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने में हम लोगों को हेल्पफुल होगा, यानी कि मददगार साबित होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूला। तो चलिए पहला फार्मूला या पहला सूत्र देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये सभी सूत्र है जिसको हम लोग महत्वपूर्ण सूत्र लिख रहे हैं। पहला याद रखिएगा आप कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1। ये एक फार्मूला है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1, करेक्ट। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू 1 हम लोग अगर याद रखें, तो इससे एक और फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, वो ये कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो किस में होगा? माइनस में, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि एक और फार्मूला हम लोग को मिल गया। ये फार्मूला किससे मिला?
दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ फार्मूला याद रहेगा ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, यानी कि याद रखिएगा साइन स्क्वायर रहे कोस स्क्वायर रहे और एंगल दोनों में जो कोण होना चाहिए जैसे थीटा, तो यहाँ पे भी थीटा, तब जाके उसके जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, ये फार्मूला बताता है। अच्छा, अब इसी से एक और फार्मूला निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर ये प्लस में कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो किस में होगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, करेक्ट। चलिए उसके बाद एक और फार्मूला इसी से निकाल सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर प्लस में है ना साइन स्क्वायर, उधर जाएगा तो किस में होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देख लो, ट्रिगोनोमेट्री बहुत इजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तो पहला फार्मूला आप याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। याद रखिए साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर हम लोगों का फिक्स होना चाहिए, लेकिन थीटा मतलब एंगल भी दोनों में सेम होना चाहिए। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर फिक्स है, और ये दोनों के एंगल में जैसे यहाँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री दोनों को ऐड कीजिएगा तो हमेशा 1 आएगा, मतलब एंगल बराबर साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5, यानी कि थीटा थीटा का मतलब आप समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। थीटा थीटा का मतलब कहना चाह रहे हैं कि यहाँ कुछ भी होगा लेकिन दोनों में सेम होगा और बीच में क्या होना चाहिए, प्लस होगा। दोस्तों अगर साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जरूरत पड़ने पे साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कोस स्क्वायर भी थीटा लिख सकते हैं। ये इसी से 3 फार्मूला आया, जरा एग्जांपल देख लेते हैं इसका। अगर दोस्तों साइन स्क्वायर ए रहेगा और प्लस कोस स्क्वायर ए रहेगा, तब हम इसका वैल्यू कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अगर इतना रहा तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, जी बिल्कुल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए और दोनों में सेम एंगल होना चाहिए, तो यहाँ ए है 1 हो जाएगा। अगर यहाँ ए रहेगा, यहाँ अगर बी रहेगा तो कभी भी 1 नहीं लिखना है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लिया साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये पहला फार्मूला, अगर पहला फार्मूला याद रहेगा तो इसी से 2 फार्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि इसी से साइन स्क्वायर का भी फार्मूला निकला है, इसी से कोस स्क्वायर का भी फार्मूला निकला है, तो इससे साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला याद रखिएगा, इसी से कॉस स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला याद रखिएगा। तो पहला फार्मूला समझ में आया, चलिए हम लोग दूसरे फार्मूला पे चलते हैं, ठीक है। दूसरा फार्मूला क्या है जरा उसको समझते हैं। चलिए दूसरा फार्मूला जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये सब दूसरा ही नहीं इम्पोर्टेंट है, जितना भी बता रहे सभी इम्पोर्टेंट ही हैं, ठीक है। चलिए दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये फार्मूला आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। क्या है फार्मूला, ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, यहाँ पे होता है माइनस, देख लीजिए सेक स्क्वायर में होना चाहिए, टेन स्क्वायर में होना चाहिए, दोनों में एंगल जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है।
और दोनों के बीच माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सेक स्क्वायर रहे, टेन स्क्वायर रहे, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर रहना चाहिए। ध्यान दीजिए, टेन स्क्वायर इधर रहा, सेक स्क्वायर, तो फिर गड़बड़ है। पहले सेक स्क्वायर, बाद में टेन स्क्वायर और माइनस, दोनों में एंगल सेम होना चाहिए। अगर दोनों में एंगल सेम हो जाता है तो हम क्या बोलेंगे, उसका वैल्यू वन हो जाएगा। अब यहाँ से एक और फार्मूला निकाल सकते हैं इसी से। देख लो, जो इससे फार्मूला निकल रहा है ना, वो आप समझिए, इससे कैसे फार्मूला निकल सकता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक और फार्मूला हो गया हम लोगों का, ठीक है, एक और फार्मूला हो गया, सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। याद रखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है वन, लेकिन ये माइनस टेन स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से, हम लोग अगर माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए तो ये वन जो है इधर आ जाएगा, यानी कि इस वन को हम इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा को छोड़ देते हैं, वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा, और ये वन है, ये इधर वन है ना, इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस वन और बराबर, ये माइनस में टेन स्क्वायर है, उधर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा। देख पा रहे होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या निकला, तो ये माइनस में टेन स्क्वायर है, उधर जाएगा तो वन प्लस टेन स्क्वायर, ये फार्मूला निकल गया। अब हम ये सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला, टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकल गया, इसलिए टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसी से फार्मूला निकल रहा है। हम कैसे निकालें, तो सेक स्क्वायर को इधर ही छोड़ दिए, इधर वन में है, इधर लाएंगे तो माइनस वन, और इधर माइनस टेन स्क्वायर है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा का जो फार्मूला निकला वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आया। तो इस तरीके से इससे भी दो फार्मूला निकाल लिए। अब इसका एग्जाम्पल देने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे माइनस होना चाहिए, किस में से किस में माइनस, तो सेक स्क्वायर में से टेन स्क्वायर को माइनस, और दोनों में एंगल जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों में एंगल सेम होता है तो हम वैल्यू वन करेंगे। इसी से रिलेटेड सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला ज़रूरत पड़ने पर हम लोग वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। वही नहीं, टेन स्क्वायर थीटा का जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन भी लिख सकते हैं, यानी कि जो आयताकार फॉर्म में हम घेर रहे हैं वो आपको एकदम याद रहना चाहिए। अब किसी से हम पूछेंगे कि टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताइए, तो टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला बताइए, तो उसको बताना चाहिए वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम अगर पूछें सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, उसको पहले बताना चाहिए वन, क्योंकि दोनों जगह हम ए ए बोल चुके हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम सेक स्क्वायर बी पूछें तो बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर, उसको बी बताना चाहिए, ठीक है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला। चलिए तीसरा पे चलते हैं हम लोग। तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला, तीसरा फार्मूला क्या है, तो तीसरा फार्मूला इस तरीके से है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है वन। देख लो भाई, इसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, दुग होता है माइनस में और एक होता है प्लस में, जिसका वैल्यू वन होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है वन। दूसरा में क्या सीखें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है वन, और इसी से दो फार्मूला निकला, सेक स्क्वायर थीटा का और टेन स्क्वायर थीटा का। वैसे ही तीसरा नंबर फार्मूला आप देख पा रहे होंगे, तीसरा नंबर फार्मूला क्या है,
तीसरा नंबर फार्मूला आप देख पा रहे होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो इससे आप एक फार्मूला निकाल सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस में है उधर जाएगा तो क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक फार्मूला ये बन गया, ये भी एक फार्मूला है, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ हम भूल रहे थे वो ये कि आप जानते हैं ना, इधर से स्क्वायर अगर हटता है तो इधर रूट में चढ़ जाता है, तो इससे एक और फार्मूला निकल गया, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, इधर से स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ गया, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि हम भूल रहे थे यहाँ पे स्क्वायर आप हटा लीजिएगा, यानी कि हम बता रहे हैं इसको, इस एग्जांपल को समझिए, इस फार्मूले को समझ जाइएगा, आप वैसे ही इसको भी लिख दीजिएगा। तो इसी से दो फार्मूला तो अभी तक निकल चुका है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग निकाल लिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर है तो इधर जब स्क्वायर हटेगा तो इधर कहाँ चल जाता है, रूट में चल जाता है, करेक्ट। चलिए अब इससे एक और फार्मूला निकालिए, कैसे भाई, इसलिए यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा को वैसे ही छोड़ दीजिए यहाँ पे, और ये 1 है ना, इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस 1, और ये माइनस कोट स्क्वायर थीटा है उधर जाएगा तो, उधर जाएगा तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस में, ठीक है, प्लस में हो गया कोट स्क्वायर थीटा। हम यहाँ से एक और चीज कर सकते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हो सकता है ना ऐसे, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको हम लोग इधर लिख सकते हैं, इसको पूरा इधर लिख दिए। तो एक फार्मूला यहाँ पे मिल गया, ठीक है, यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे एक और फार्मूला लिख सकते हैं दोस्तों, कॉट थीटा, देख लो जो कॉट स्क्वायर निकाले उससे एक और निकाल सकते हैं, इधर जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, पूरा रूट में चढ़ जाएगा, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देख लो। तो जिस तरीके से दोस्तों एक तीसरा फार्मूला से जो आयताकार में हम लोग घेरे, 1, 2, 3, 4 चार फार्मूला निकाले, आप इसको भी ना वैसे ही कर लीजिएगा। ये सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर अगर हटेगा यहाँ से तो यहाँ पे सेक थीटा आप लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा है, अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि अगर स्क्वायर हटता है तो क्या होता है, इधर रूट चढ़ जाता है, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, करेक्ट। तो वैसे ही आपको यहाँ पे देखना है कि अगर स्क्वायर हटता है तो उधर जाकर क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप देखिएगा, पहले वाले फार्मूला में भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ से वैसे ही कीजिएगा जैसे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का हम यहाँ पे फार्मूला निकाले हुए हैं ना, ऐसे ही आप एक और इन दोनों से फार्मूला निकाल लीजिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, बगल में लिख लीजिएगा अगर जगह होगा तो, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू ये स्क्वायर हटता है तो ये रूट में चढ़ जाता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये कोस थीटा है तो इधर अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, ठीक है। यानी कि इसी फार्मूला से
दो फार्मूला तो हम निकाल चुके हैं, दो और आपके पास जगह होगा तो लिख लीजिएगा कि स्क्वायर यहाँ पे हटा, यानी कि साइन थीटा बराबर रूट अंडर वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला है, इसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे कि हम तीन फार्मूले को पढ़ें, मेन तीन फार्मूला है दोस्तों, ये तीन फार्मूला याद रहेगा। तो इससे एक्स्ट्रा आप इससे चार गो फार्मूला निकाल लिए, कोसेक स्क्वायर थीटा का और एक कोसेक थीटा का, कोट स्क्वायर थीटा का और कॉट थीटा का, इससे सेक स्क्वायर थीटा का, टेन स्क्वायर थीटा का, सेक थीटा का और टेन थीटा का। यानी कि अगर तीन फार्मूला आपको मेन याद रहेगा तो उससे एक गो फार्मूला से चार गो फार्मूला आप खुद से निकाल सकते हैं। और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा जो आप फार्मूला निकाल रहे हैं, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब ये चीज़ याद रहेगा तभी तो ये फार्मूला निकाल पाएंगे आप। तो कुल मिलाकर आपको हम टोटल मिलाकर इससे रिलेटेड चार, इससे निकला चार लेकिन ये खुद पाँच और पाँच थी आई, 15 फार्मूला आज हम लोग पढ़ें जो 8.4 में काम देगा। लेकिन दोस्तों अभी 8.4 में और भी फार्मूला बाकी है, उसको हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इन चीज़ों को जो फार्मूला दोस्त लिखवा रहे हैं आपको ना, उसको टू दी पॉइंट एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन करवाएँ तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो आप पहला और दूसरा के लिए भी दो दो फार्मूला निकाल लीजिएगा। फिलहाल कुल मिलाकर आज हम लोग तीन इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़े, उससे ही निकलता है ये सब सारा फार्मूला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।